धन्यवाद उपसभापति महोदय। विनियोग विधेयक 2022-23 के लिए मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी की तरफ से बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। जहां आज पूरे देश में बैंकों की हड़ताल है, आज हम सदन में विनियोग विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं। पूरे देश का लाखों बैंक एम्प्लॉय जो है, जो सरकार की गलत नीतियाँ हैं निजीकरण को लेकर के जो है, आज बैंक दो दिन की हड़ताल में है। हम अपनी पार्टी की तरफ से उनका सपोर्ट करते हैं, मांग करते हैं कि जो बैंक की बैंक कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं, जो निजीकरण है, बंद किया जाए। गांधी जी ने बैंक गांव-गांव में बैंक खोलने की व्यवस्था कराई थी कि गांव का आदमी गांव में बैंक रहेगा तो गांव में पैसा जमा करेगा, लेन देन करेगा। आज सब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है जिससे किसान, मजदूर, गरीब सब परेशान है। मनोहर इसी से, चूंकि जब निजीकरण होगा तो लोगों की नौकरियां जाएंगी, और जो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने जो SC ST के लिए, OBC के लिए आरक्षण दिया था, धीरे धीरे निजीकरण से जो है लोगों की नौकरियां जा रही हैं, आरक्षण खत्म होता जा रहा है, और SC ST OBC के लोगों को जो है आरक्षण खत्म करके गुलाम बनाने की साजिश की जा रही मानव। इसीलिए OBC के लोग मांग करते हैं, जो देश की आधी आबादी से ज़्यादा लोग हैं, कि हमारी जाति जनगणना करा ली जाए और हमें आबादी के हिसाब से सभी सेक्टरों में भागीदारी दी जाए। मानो अभी हम देख रहे हैं लगातार बात चल रही है, अभी डीजल पेट्रोल के दाम, जब उत्तर प्रदेश में चुनाव था, 5 राज्यों में चुनाव था, तो 1 महीना डीजल पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े। सरकार यही कहती थी कि ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर निर्भर है, उस समय क्यों नहीं बढ़े, और अचानक 50 रुपया रसोई गैस में बढ़ा दिए गए। डीजल पेट्रोल के दाम रोज बढ़ रहे हैं, और जीवन रक्षक दवाएं जो आम आदमी की दवा है वो जो है कई गुना बढ़ने जा रही हैं, और पैरासीटामोल भी। और हम देखते हैं जीवन रक्षक दवाओं के लिए 10 गुना से लगा के 200 गुना तक दाम उनके निर्धारित रहते हैं, और इतनी कालाबाजारी होती है कि जो MR होते हैं और मेडिकल स्टोर वाले होते हैं, डॉक्टर वही दवा लिखता है जो MR उसको सजेस्ट करता है, 200-300 गुना उसके दाम होते हैं, और किसान घाटे खेती कर रहा है, उसकी लागत का भी मूल्य नहीं दिया जा रहा, खर्चा लोगों के जेब में जो है पैसा कम है और खर्चा ज्यादा है। मानवर आज हम देख रहे हैं कि देश के गरीबों किसानों पर टैक्स लगाया जा रहा है, आम आदमी की सवारी साइकिल है, साइकिल पर 18% टैक्स है। हम मांग करेंगे माननीय वित्त मंत्री जी से कि गरीब मजदूर आदमी साइकिल पर चलता है उस पर टैक्स खत्म किया जाना चाहिए। आपने हीरा पे टैक्स खत्म किया है, हीरा कौन उद्योगपति बड़ा अमीर आदमी हीरा खरीदता पहनता है, तो इसलिए साइकिल पर टैक्स खत्म किया जाना चाहिए। मानवर शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सब में बजट की कमी की गई है, और खास तौर पर SC ST OBC के जो बच्चों को छात्रवृत्ति मिलती थी मिडिल क्लास तक, 8वीं तक, तो उनके स्कॉलरशिप भी खत्म कर दी गई, और उनके जितने कोचिंग सेंटर थे जो बजट था उसमें, जो मेन बजट इनका है उसमें बजट घटाया गया है। और मानवर आज हम देख रहे हैं देश में समान काम समान वेतन की कर्मचारी मांग कर रहे हैं, 10-10, 12-12 घंटे लोगों से काम कराया जाता है, देश के चाहे आंगनवाड़ी वर्कर्स हों, चाहे आशा वर्कर्स हों, चाहे शिक्षा मित्र हों, चाहे निदेशक हों, चाहे पंचायत मित्र हों, चाहे होमगार्ड PRD से लगा करके, चौकीदार से लगा के, सब लोग मांग कर रहे हैं कि हमको हमारा जो 10-12 घंटे काम लिया जाता है समान वेतन किया जाए। इसी तरह से मानो देश के केंद्रीय सेवाओं में और प्रदेश सेवाओं में लोग जो है पुरानी पेंशन की बहाल की मांग करते हैं। मानवर 22-23 में, 2004 में वाजपेयी जी BJP की सरकार ने खत्म किया था पुरानी पेंशन, 80 लाख जो है आवासों की बात कही है, और मैं याद दिलाना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण, चुनावी भाषण उठा के देखिए,
उन्होंने कहा था 2022 तक देश के सभी गरीबों को पक्का आवास देने का काम करेंगे। आप 80 लाख का बजट किए हैं, 50 लाख और हम बताना चाहते हैं मकान 1,20,000 का मिलेगा। आपने आपने बालू के दाम, मोरम के दाम 4 गुने कर दिए, सीमेंट के दाम 2 गुने कर दिए, लोहा सरिया के दाम 2 गुने कर दिए। कैसे गरीब आदमी 1,20,000 में मकान बनाने का काम करेगा? हम देखते हैं उसमें भी घोटाले होते हैं। बांदा फतेह में हम देखा कि कितने भी आवास है वहाँ पे जो है उसमें भी दलाली हो रही। तो इंटरवेंशन बाय अदर मेंबर्स एक्सेप्ट मिस्टर निषाद, डिस्टर्ब करे ना उनको, रोकिए ना। मानवर किसान आज घाटे खेती कर रहा है, अन्ना प्रथा से हमारा पूरा देश का किसान परेशान है। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, आज किसान मजदूर के पास जब से नोटबंदी जीएसटी और ये लॉकडाउन हुआ तब से लोगों के रोजगार चले गए। मानो किसानों के लिए स्वामीनाथन रिपोर्ट के लिए इन्होंने कहा था स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, क्यों नहीं लागू कर रहे? मानो हम तो चाहते हैं कि एमएसपी का कानून बने, और जिस तरह से आप उद्योगपतियों के लिए कानून बनाते हैं उनकी 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 उनके मूल्य निर्धारण करते, उसी तरह किसानों के लिए एमएसपी का कानून बनना चाहिए। मानवर आज देश का किसान आत्महत्याएं कर रहा है। देश का किसान चाहता है कि जो उनके पास कर्जा है, आप चुनाव में तो हजारों अरबों रुपए खर्च करते हैं, देश के किसानों का जो है कर्जा माफ किया जाना चाहिए। मानवर उनके लिए बजट में कोई कर्जा माफ करने की, जब चुनाव आता है तब कर्जा की बात करते हो, जब चुनाव खत्म तो कर्जा की बात नहीं करते हो, तो ये बजट में कर्जे माफ करने की कोई व्यवस्था नहीं। मानवर हमारे यहाँ तमाम अभी डिस्टर्ब कर रहे हैं, हमें बोलने नहीं दे रहे, जब इनका मौका है तो बोले। आपसे विनती करना चाहते हैं कि आज देश का किसान नौजवान, जब से नोटबंदी लॉकडाउन हुआ देश के बहुत हालत खराब है। आज किसान नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। इलाहाबाद में 3-3 बच्चों ने आत्महत्या कर ली, लोग डिग्री जला रहे हैं इनकी सरकार में, नौकरियां नहीं मिल रही लोगों को, और ये लोग एक शोर मचा रहे हैं। केवल इन्होंने सरकारी मशीनरी से ईवीएम से पूरे उत्तर प्रदेश में तो अखिलेश यादव जी को जनादेश दिया था, केंद्र की सरकार ने बेईमानी से जो है उत्तर प्रदेश में सरकार अखिलेश की बनाने से रोकने का काम किया है, उस पर आप कहते जनादेश। आज उत्तर प्रदेश में हताश नहीं आता है, तो मानो हम ये हल्ला कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, जवाब मैं दे रहा हूँ। तो मानो आज जरूरत है किसान की आमदनी बढ़ाने का, उनकी लागत के अनुसार उनके उनको जो है उनका एमएसपी कानून बनाने का। उनकी हम यही मांग करेंगे कि बजट में जो है किसानों के लिए जो है खाद बीज उनके सब्सिडी दी जाए, और किसानों को निःशुल्क सिंचाई, निजी ट्यूबवेल की सिंचाई फ्री की जाए। इस तरह से तमाम ये मांग करते हैं कि वित्त मंत्री से निवेदन करेंगे किसानों के लिए, इसे आत्महत्या न करें। बहुत बहुत धन्यवाद।